खेसारी लाल यादव का दिन शुरू होता है पवन सिंह पर और ख़त्म भी होता है पवन सिंह पर। हम तो ये कहेंगे कि पवन सिंह से इतनी मोहब्बत करते हैं खेसारी कि पवन सिंह के इर्द गिर्द आसपास फटकने वाले लोग भी उतनी मोहब्बत नहीं करते होंगे। अरे जी जनाब छोड़िए, पवन सिंह का परिवार भी उतनी मोहब्बत नहीं करता है। और इस मोहब्बत का आलम यह है कि खेसारी लाल यादव के जीवन में जो भी दुर्घटना होती है उसके जिम्मेदार पवन सिंह है। जी हाँ, और तो और आगे भी सुन लीजिए, ये मोहब्बत इतनी गहरी है कि दूध में पानी मिलाने वाली बात भी इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। ये मोहब्बत शुद्ध मोहब्बत है। खैर इस पर बात किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो शायद खेसारी लाल यादव के कुछ लोगों को चुभ सकती है। चुभ इसलिए सकती है जनाब, क्योंकि हम बात ही कुछ इस कदर करने वाले हैं। अब खेसारी लाल यादव लाख कहें कि उन्होंने पवन सिंह की कॉपी कभी नहीं की, लेकिन जनाब जब पवन सिंह अपना गाना रिलीज़ कर रहे थे 0 सब्सक्राइबर पर और उसका व्यूज़ आप जाकर देखेंगे 4 दिन बाद, जी हाँ 0 सब्सक्राइबर पर वो गाना रिलीज़ किया गया और 4 दिन बाद उस गाने का व्यूज़ है लगभग 6 मिलियन। जी हाँ 6 मिलियन। अब जब एक दिन पूरा हो गया था तो इस गाने ने 1.1 मिलियन का व्यूज़ क्रॉस कर लिया था। खैर अब जो वो 0 सब्सक्राइबर वाला चैनल है, हम यहाँ बेस्ट वन म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, उसके सब्सक्राइबर 85,000 पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं चंदपुरा फिल्म्स की। जी अब आप कन्फ्यूज़ मत होइए, चंदपुरा फिल्म से 0 सब्सक्राइबर पर ही खेसारी ने अपना गाना रिलीज़ किया और वाकई गाना बहुत खूबसूरत था। अगर किसी और चैनल पर रिलीज़ होता तो शायद ये गाना बहुत ही बेहतरीन होता, लेकिन खेसारी ने यही गलती कर दी। उन्हें लगा कि उनका स्टारडम और उनकी आवाज़, उनकी नाचने की स्टाइल, हर एक स्टाइल पवन सिंह के मुकाबले तो दुगना है। अब भाई शुद्ध मोहब्बत है तो ये गलतफहमी होना लाजमी भी है। वैसे प्यार में गलतफहमी गलत बात भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खेसारी ने यही गलती कर दी और ये गाना रिलीज़ कर दिया। गाने को पूरा 1 दिन कंप्लीट हुआ, उसे 50,000 व्यूज़ भी नहीं मिले, अब तकरीबन 80 के करीब हो गया होगा और उस चैनल का सब्सक्राइबर जो कि 0 से था अब हुआ होगा, क्योंकि जब तक हमने देखा तब तक 4 था, अब शायद वीडियो रिलीज़ होने के बाद 5 या 6 पहुंच चुका होगा। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव के जितने भी चाहने वाले थे, जितने भी मैनेजर थे, सभी ने इस गाने का जमकर प्रमोशन किया और इतना प्रमोशन किया कि फेसबुक हो या फिर इंस्टा हो, यूट्यूब हो या उनके चमचों का चैनल हो, हर जगह इसके पोस्टर को रिलीज़ किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। खैर पवन सिंह से मोहब्बत का आलम बरकरार रहेगा खेसारी लाल यादव का और नए नए कीर्तिमान वो गढ़ते रहेंगे, ये तो फिक्स है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। खैर खेसारी लाल यादव की स्थिति देखकर आपको कौन सा गाना याद आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।